मध्य प्रदेश के सिंगरौली में एसडीएम माड़ा की कार्रवाई। मिलावट से मुक्त अभियान के अंतर्गत हानिकारक पदार्थों से आइसक्रीम बनाने वाली दो फैक्ट्रियां हुई सील। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर सिंगरौली के मार्गदर्शन में एसडीएम माड़ा संपदा सराफ के द्वारा की गई कार्रवाई। पूर्व में कलेक्टर सिंगरौली द्वारा आदेशित किया गया था कि अभियान चलाकर खाद्य विक्रेताओं द्वारा विक्रय की जा रही खाद्य सामग्री की जाँच करें एवं निर्धारित मानकों के विरुद्ध अवमानक खाद्य पदार्थ विक्रय किए जाने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसके संदर्भ में एसडीएम माड़ा संपदा सराफ के द्वारा इस अभियान के अंतर्गत माड़ा क्षेत्र में आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्रियों की जांच की गई। फैक्ट्रियों में ना खाए जा सकने वाले जहरीले पदार्थ जैसे कि इलेक्ट्रोप्लास्टिंग पाउडर को चीनी के स्थान में उपयोग किया जा रहा था। वहीं इन फैक्ट्रियों में साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया था। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सैंपल लिए जाने के उपरांत इन दोनों फैक्ट्रियों को सील किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान प्रभारी तहसीलदार माड़ा दिवाकर सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ओपी साहू, चौकी प्रभारी बालेंद्र त्यागी एवं अन्य राजस्व और पुलिस का अमला मौके पर मौजूद रहा। माड़ा से राम भरत सोनी की रिपोर्ट। क्या आप भी मिस कर रहे हैं आपके फेवरेट फूड को? तो आज ही आएं इंजीनियर कैफे फास्ट फूड जोन, जहां आपको मिलता है पिज्जा, बर्गर और साथ ही फास्ट फूड की सारी वैरायटी बेस्ट सर्विसेज के साथ। तो फिर और कहीं क्यों जाना, आज विजिट करें हमारे प्रतिष्ठान। हमारा पता है ताली मेन रोड जी ऑफिस के बगल में, बैनन सिंगरौली, मध्य प्रदेश। साथ ही आप हमें कॉल या ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8818161652 9589576008। सिंगरौली जिले में आ गया ग्रोसरी फॉर यू, फिर देर किस बात की, जल्दी विजिट करें और पाए सारे ग्रोसरी आइटम में डिस्काउंट और साथ ही ऑनलाइन बिल। 500 से ज्यादा आउटलेट्स पूरे भारत में, दुकान दुकान में भटकने से छुटकारा, अब एक ही स्टोर में सब कुछ। दुकानों में भटकना क्यों, ग्रोसरी फॉर यू लाया है ऑनलाइन डिलीवरी घर बैठे ही, बचत भी बचत भी। हमारा पता है बनियारी रोड, बैठन चंदर पैलेस के पास, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9685965487700137008। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।